सो गाइज, मैं आपको पहले अपना फोटो दिखाता हूँ जब मेरे पिंपल्स हो रहे थे। अभी तो आपको मेरी स्किन क्लियर दिख रही होगी, बट पहले मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ जब मेरे स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, एक्ने हो रहे थे, डार्क स्पॉट्स हो रहे थे। सो गाइज, Hey, what's going on, bro? It's your boy, Sadhan Sari here. और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे मेरे बहुत सारे भाई लोग परेशान रहते हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पिंपल्स। गाइज, मेरे पास लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पिंपल्स के ऊपर भी वीडियो बना दो, भाई मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, मेरे एक्ने हो रहे हैं और डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं और स्किन से रिलेटेड वीडियोज बहुत सारे बोल रहे थे। सो गाइज, अभी मैं स्किन से रिलेटेड वीडियोज की सीरीज शुरू कर रहा हूँ और सबसे पहले मैंने वीडियो का टॉपिक पकड़ा है पिंपल, क्योंकि ये पिंपल ना बहुत ही गंदी चीज है। यस, सो गाइज, मेरी ध्यान से सुनना हर एक बात, काम तुम्हारी वो आएगी। ओके हाँ, ओके। सो गाइज, जो भी मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। और गाइज, मैं आपको पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, गाइज मेरा सीन ऐसा या मेरे चैनल का सीन ऐसा नहीं है या हमारे चैनल का सीन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई हो पर मैं इंटरनेट से पढ़कर मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाइज, मेरे चैनल पर जो भी आप लोगों को वीडियो मिलती है वो वीडियो वो होती है जो मुझे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई होती है वो उसके बारे में होती है। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं इंटरनेट से पढ़कर आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। सो गाइज, ध्यान रखना। और अगर मैं अभी पिंपल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सो गाइज पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पिंपल्स मेरे कितने हुए थे और मैं पिंपल्स से कितना ज्यादा परेशान रहा था। सो गाइज, मैं आपको पहले अपना फोटो दिखाता हूँ जब मेरे पिंपल्स हो रहे थे। अभी तो आपको मेरी स्किन क्लियर दिख रही होगी, बट पहले मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ जब मेरे स्किन पर बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, एक्ने हो रहे थे, डार्क स्पॉट्स हो रहे थे। सो गाइज, ये है वो फोटो जिसमें मेरे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे थे, डार्क स्पॉट्स हो रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था, आप देख सकते हैं। सो गाइज, मैंने वहां से लेकर यहां तक कि जितना भी रिकवर किया है मैं आप सबको इस वीडियो की सीरीज में बताऊंगा। सो गाइज, पहले हम बात करेंगे, आपको सबसे पहले बात करते हैं हम कि पिंपल्स को किस तरह ठीक करना है। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे पिंपल्स होने के बाद जो उनके डार्क स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं उनको किस तरह साफ करना है। और थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे और उसके बाद थर्ड वीडियो बनाएंगे हम, थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पिंपल्स क्यों हो रहे थे, किस वजह से हो रहे थे और उसके लिए वीडियो बनाएंगे हम जिससे आपको पिंपल्स दोबारा ना आए। और हम फोर्थ वीडियो बनाएंगे स्किन केयर रूटीन के ऊपर कि आप अपने स्किन को किस तरह ध्यान रखें, क्या करें जिससे आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और एक्ने और पिंपल फ्री और डार्क स्पॉट फ्री हो जाए। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं जो आपको भी एट प्रेजेंट पिंपल्स हो रहे हैं उनको कैसे ठीक करना है, उनको कैसे खत्म करना है। सो गाइज, उसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी एंड थोड़ा सा अगर आप गुलाब जल या रोज वाटर वगैरह लेना चाहेंगे तो आप वो ले सकते हैं या नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। आप उसको उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप उसको अपने जहां पर भी आपके पिंपल हो रहा है आप उसको वहां पर लगाइए। सो गाइज, मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब मेरे जहां पर पिंपल हो रहा होगा मैं इसको वहां पर लगाता हूं। गाइज, एक्चुअली मेरे पिंपल अभी कहीं पर हो नहीं रहा है। सो गाइज, अभी इसको कहीं पर भी अभी मैं ऐसे करके इसको लगा दीजिए आप जहां पर भी पिंपल हो रहा है। सो गाइज, इसको लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए कम से कम भी 10 मिनट के लिए। जब ये 10 या 15 मिनट में ड्राई हो जाएगा, सो गाइज मैं आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ ये करता क्या है। So guys, हमारे जो स्किन होती है guys, उसके अंदर स्किन के अंदर पोर्स होते हैं और वो पोर्स के अंदर से ना हमारे स्किन के अंदर सीबम ऑयल जो प्रोड्यूस होता है पोर्स के थ्रू वो बाहर आता है, हमारी स्किन को हम मॉइस्चराइज वगैरह रखने के लिए हेल्प करता है और डैमेज होने से बचाता है नेचुरली। सो गाइज, हमारे स्किन के पोर्स किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पोर्स डस्ट वगैरह से ब्लॉक हो चुके हैं या किसी भी चीज से ब्लॉक हो जाते हैं। सो गाइज, हमारा जो ऑयल ग्लैंड होती है वो सीबम प्रोड्यूस करती रहती है और प्रोड्यूस करने के बाद गाइज वो बाहर नहीं निकल पाता है। सो अंदर ही गाइज पिंपल प्रोड्यूस होने लगता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर उस एरिया पर और वहां पर पिंपल प्रोड्यूस हो जाता है और जो हमारा ऑयल होता है गाइज उसकी बन जाती है पस और हमारे वहां पर कर देता है वो भसड़। यस, सो गाइज, अब ये क्या करती है मुल्तानी मिट्टी, जितना भी हमारे स्किन पर वहां पर पिंपल के आसपास ऑयल होता है गाइज ये सारा का सारा ऑयल सक कर लेती है और सक करने के बाद उस एरिया को बिल्कुल ड्राई कर देती है और ड्राई करने के बाद गाइज वहां से बिल्कुल एरिया क्लियर हो जाता है। अब आप इसको किसी भी कॉटन से या किसी भी चीज से आप इसको रिमूव कर दें या पानी से अपने वाटर से इसको वॉश कर लें। सो गाइज, मुल्तानी मिट्टी ने अभी आप पिंपल के आसपास जितना भी ऑयल हो रहा था गाइज वो सबका सब सक कर लिया है और इन्फेक्शन वगैरह को रोक दिया है। एंड नाउ गाइज, अब जो पिंपल का बम्प बचा है वो पिंपल बाहर आ रहा है गाइज, उसको ठीक करने के लिए आप किसी भी कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा बर्फ ले लें और आइस लेने के बाद उसको गाइज आप अपने पिंपल पे धीरे धीरे आराम आराम से जहां पर भी आपको पिंपल हो रहा है आप उसको वहां पर लगा लें। गाइज, आइस क्या करता है, जितना भी स्वेलिंग वगैरह जो भी कुछ पिंपल की हो रही होती है, रेडनेस हो रही होती है, वो सबकी सब ठीक कर देता है और उसको अंदर पिंपल को दबा देता है और आपको पिंपल को पोक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका पिंपल एक ही दिन में ठीक हो जाता है। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी जल्दी नहीं है, आपको जैसे कोई फंक्शन पार्टी कहीं पर नहीं जाना है, आप पिंपल हो रहा है, आप उसको नॉर्मल बर्फ वगैरह लगा
जाना नहीं चाहते, आप उसको नॉर्मल ठीक करना चाहते हैं। सो गाइज, आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, क्रीम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज जो करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है मेरी स्किन केयर की। जब भी मुझे पिंपल वगैरह होता है गाइज, मैं रात को इस क्रीम को लगा लेता हूँ, सुबह को ही मेरा पिंपल हो जाता है गायब। सो गाइज, मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद गाइज आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। तो ये क्रीम क्या हेल्प करती है, जितना भी इन्फेक्शन वगैरह जो भी कुछ आसपास बाकी बचा रह जाता है गाइज, उसको बिल्कुल खत्म कर देती है और आपका पिंपल वहां से बिल्कुल खत्म, और पिंपल का निशान वगैरह जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह आना होता है वो बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड गाइज, वन मोर थिंग गाइज, जैसे पिंपल होने वाला होता है तो आपको पहले से पता लग जाता है कि पिंपल होने वाला है, वहां पर या तो रेड रेड होना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा थोड़ा दुख लगना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा सा छोटा सा बम्प सा आना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको उसको वहीं पर रोकना है गाइज, आप इस क्रीम को गाइज बिल्कुल पिंपल पर आप वहीं पर लगा दीजिए और थोड़ी आराम से हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे मसाज कर दीजिए। सो गाइज, आपका इन्फेक्शन वहीं पर रुक जाएगा और आपके पिंपल जितना है उसी साइज का रहेगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके गाइज, सो गाइज आप ये सब यूज कर सकते हैं गाइज। जब मेरे पिंपल्स वगैरह हो रहे थे गाइज, मैंने यही सब, मैं बहुत सारे मेथड ट्राई करे हैं गाइज, मैं डॉक्टर्स के पास गया हूँ, मैंने बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स चेक कराए हैं और सब कुछ कराया, बट गाइज मेरे पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद ये मैंने बिल्कुल बेसिक, जिसकी कॉस्ट इस मेथड की कॉस्ट 2 रुपए भी नहीं होगी, 2 रुपए भी, 1 रुपए में ये मेथड है, 1 रुपए में आपका मेथड आ जाएगा, मुल्तानी मिट्टी फ्री में भी मिल जाएगी आपको गाइज, तो इसलिए मेरे ठीक कर दिया था। एंड गाइज, अब हम इस वीडियो के लिए आज इतना ही गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो भी आपके पिंपल्स वगैरह से गाइज, निशान वगैरह, जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं उनको कैसे ठीक करें। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना। एंड गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो पिंपल्स है, डार्क स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं, उनको कैसे खत्म करें। एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके पिंपल्स होने का रीजन क्या है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको स्किन केयर कैसे करनी है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, लव रेस्पेक्ट पीस, बाय बाय।